नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये एक क्वेश्चन हमारे कमेंट में आया हुआ है, सीमा अग्रवाल जी का ये कमेंट है। और हमने एक वीडियो बनाया था PMKVY सेंटर कैसे खोलते हैं उसके ऊपर, जो गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री का एक प्रोजेक्ट था, और इससे पहले उसको NHDC के नाम से भी जाना जाता था। तो उसमें हम लोगों ने बातचीत किया था कि किस तरीके से आप खोल सकते हैं, क्या क्या लाइसेंस आपको चाहिए होगा, क्या क्राइटेरिया चाहिए होगा। तो इन्हीं के ऊपर इनका जो है कमेंट आया हुआ है कि सर, UP लखनऊ में खोलना है, कृपया सलाह दें। तो देखिए, सलाह तो हम पहले भी इस वीडियो में सारा कुछ बता चुके हैं, मगर फिर भी आपने पूछा है तो एक बार आपके लिए रिपीट कर दें कि अगर कोई पुरानी कंपनी है, 3 साल की पुरानी कंपनी, तो फिर चाहे तो बहुत आसान होता है उसके लिए काम करना। और इसमें जो काम है वो 2 पैटर्न पे होता है। पहला, आप चाहे तो गवर्नमेंट के साथ एज ए TP यानी ट्रेनिंग पार्टनर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसमें आपको 3 साल पुराना कंपनी चाहिए, कम से कम मान लीजिए आपका 1 CR के आसपास का आपका फाइनेंशियल टर्नओवर चाहिए 3 साल में, और गवर्नमेंट का फीस 3 से 4 लाख रुपये इसमें लगता है इस, और आपके पास ऑफिस वगैरह होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन है तो आप गवर्नमेंट का फीस जमा करके एज ए TP रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपको गवर्नमेंट के कोर्स के लिए अलग अलग जगह पे TC प्रोवाइड करना होता है, माने ट्रेनिंग सेंटर को खोज के उसको अपने अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, और फिर उसको कोर्स करवा के, पेड हो या अनपेड हो, दो तरह का कोर्स होता है। एक होता है गवर्नमेंट जिसमें पैसा देती है, और एक होता है जिसमें पैसा नहीं देती, आपसे फीस लेती है। यानी गवर्नमेंट ने 200 फीस लिया, आपने 1000 लिया, 500 लिया, और गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी, उसमें सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का होता है, कोई प्राइवेट का नहीं होता। जैसे बाकी आप लोगों ने पढ़ाई किया है कि आप लोग 1 से 10 तक स्कूल में फीस दिए हैं और पढ़ाई किए हैं, फिर जाके आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का मिलता है, उसी तरीके से। तो TP का काम है एज ए फाइनेंसर, समझिए कि उसका काम है फाइनेंस करना अपने कोर्स के लिए, गवर्नमेंट को फीस जमा करना, और आपके बिहाफ के सारा डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट के पास से करवाना, गवर्नमेंट को जमा देना, और वहाँ से इशू सर्टिफिकेट जो होता है उसको आपके पास पहुँचाना। तो ये 2 तरीका है जो आप अपना के इस PMKVY में घुस सकती हैं, या फिर आप TC हो जाइए। अगर TC होती हैं तो 1500 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, और जो भी आप ट्रेनिंग का काम कराना चाहती हैं, जैसे आपने सिलाई मशीन रखा हुआ है, या ब्यूटिशियन का कोर्स कराना है, या कंप्यूटर का कोर्स कराना है, तो ऐसे बहुत सारा, कम से कम 2500 प्लस कोर्स है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकती हैं, जो आपको सुविधा हो, जिसका इंस्ट्रक्टर यानी ट्रेनर आपके पास हो, जिसका क्लास आप करवा पाए, तो उसमें से सिलेक्ट कीजिए, और जिसका आसपास आपके बच्चे मिल पाए ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। सिर्फ करने से नहीं होता है, मार्केटिंग भी करना पड़ता है ताकि बच्चे आके आपके यहाँ से कोर्स करें, और फिर कोर्स करवा के आप उनसे कुछ फीस लेके, और फिर उनको गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम दिलवा के पास आउट होने पे गवर्नमेंट उनको सर्टिफिकेट देगी, जो मान लीजिए अगर जॉब करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो उनके लिए आसान होता है। सर्टिफिकेट हर एक जगह वैलिड होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में भी और प्राइवेट में भी। तो ये 2 तरीका होता है। अब आपको देखना है कि आपको किस तरह की कंपनी है, चाहे कंपनी हो, चाहे ट्रस्ट हो, चाहे सोसाइटी हो, या प्रोप्राइटरशिप हो, हर एक आदमी ही एप्लीकेबल है, बशर्ते आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा थोड़ा अच्छा खासा होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना कोर्स नहीं चला, तो उसमें आपने जिस आदमी को रखा हुआ है, लाइट है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब का तो खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट होता है, मगर अच्छा खासा ही प्रॉफिट होता है, मगर आपको अपना थोड़ा फाइनेंशियल साउंड होना चाहिए ताकि आप उसको मैनेज कर पाएँ, चलाए पाएँ। अगर अनपेड कोर्स है यानी गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो उसमें क्या है, थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोसीजर है, आप सिस्टम भेजिएगा, वो लोग एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, उसके बाद जाके कोई रिस्क उठ नहीं होगा तो आपको भेजेंगे, नहीं होगा तो फिर आपका पेमेंट क्लियर करेंगे। तो TC को डायरेक्ट पेमेंट नहीं मिलता है, TC को हमेशा TP पेमेंट करता है, और TP को डायरेक्ट पेमेंट मिलता है। इसलिए पहले आपको डिसीजन लेना है कि आपको TP बनना है या TC बनना है, उसके बाद फिर जैसे हमने बताया डॉक्यूमेंटेशन, एरिया, ये सारा कुछ, इन्वेस्टमेंट, फिर आप डिसीजन लेके अपना काम कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन का सिस्टम है हमेशा ही चलता रहेगा, बस एक ही चीज़ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कोर्स के रिलेटेड, कि हमेशा कोर्स में आप अपग्रेड रहिए, ऐसा कुछ ना सिखाइए कि जो मान लीजिए 10 साल 5 साल पहले ही इनवैलिड हो चुका है, तो उसमें बच्चों का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो फिर इंस्टीट्यूट का नाम खराब होता है, मार्केटिंग खराब हो जाती है।
हमेशा अपडेट रहिए थोड़ा कोर्स के मामले में भी, तो आपका जो ये बिजनेस है इंस्टीट्यूट का तो अच्छा चलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगेगा। और ये सीमा जी का क्वेश्चन था जो हमने बता दिया, सीमा अग्रवाल का, इनके पास भी ये चीज़ें पहुँच ही जाएंगी क्योंकि वो हम लोग का चैनल जो है फॉलो करती हैं। और नहीं तो अगर आप कोई है जो व्हाट्सएप पे आएगा तो उसको भी हम लोग ये सब शेयर कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसकी वजह से हम लोग ये सब वीडियोस बनाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।